अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। आज मैं आपको मिक्स सब्जी की रेसिपी देने आई हूँ, बड़े मजे की बनती है। और मेन जो चीज़ है इसमें यह है कि इसका कलर जितना फ्रेश होता है उतनी अच्छी लगती है, उतनी जूद हजम होती है, उतना इसको खाने को जी जाता है। तो सब्जियाँ हमें वो तमाम प्रोवाइड हैं इस टाइम जो हमें मिक्स सब्जी के लिए दरकार होती हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, थोड़े से मसाला जात में बनती है लेकिन अपना फुल फ्लेवर देती है। तो गोभी चूंकि अब आना शुरू हो गई है तो इस वजह से ये सब्जी जो है मैंने बनाने का सोचा। तो चले यार रेसिपी को हम अपनी स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। गोभी लिया मैंने आधा किलो का, एक छोटा फूल लिया है क्योंकि बाकी चीजें भी मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद ये जो है इसका रेशो वो हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएगा। गोभी और गाजर इन दोनों को मैंने बिल्कुल लाइट सा बॉईल किया क्योंकि गोभी में स्मेल सी होती है वो खत्म हो जाती है। एक ही इसको बॉईल आए तो आप बस इसको स्टेन करके रख लें, इसको हमने बहुत ओवर बॉईल नहीं करना। तो ये देख लें, एक आलू लिया मैंने, ये तकरीबन आधा पाव के करीब एक आलू था, ये लिया है। सारी चीजें थोड़ी थोड़ी डालनी है क्योंकि सब मिक्स होकर ज्यादा हो जाएंगी। ये मटर है, एक पाव मटर है, ठीक है। दो अदद फुल बड़े साइज के टमाटर हैं, ये मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। एक फुल साइज की अनियन है हमारे पास, इसको हम सॉटे से कर लेंगे, ब्राउन की फॉर्म में हमने नहीं लेके जाना है इसको। और रेड चिलीज है हमारे पास, जूलियन कटिंग में हमने काट लिए हैं। ऑयल है मसाला जात में हमारे पास जाएगा रेड चिली फ्लेक्स, वन टी स्पून से जरा ज्यादा, या वन टी स्पून को फुल कर लें। जीरा हाफ टी स्पून है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। हल्दी है हमारे पास वन टी स्पून फुल है हमारे पास। सॉल्ट, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनसे फटाफट बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने स्टोव की तरफ। अच्छा जी, रेसिपी स्टार्ट करने लगे, हम स्टोव को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम कुकिंग अपनी शुरू करेंगे, ठीक है जी। ऑयल बहुत कम भी नहीं डालना, बहुत ज्यादा भी नहीं डालना, बिल्कुल खुश्क बनेगी, अच्छी नहीं लगेगी। कड़ी पत्ते अगर आपके पास है तो उनका एडिशन लाजमी कर दें, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। अनियन को सबसे पहले ऐड कर देंगे और इसको हमने ब्राउन नहीं करना, ठीक है जी। हमने इसको जब ये ऑफ व्हाइट की फॉर्म में जाएगी, जब इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, उस टाइम पे हम इसके अंदर सब्जियों को ऐड करेंगे। एक बड़ी अच्छी मैं आपको बात बताती हूँ कि अगर आप सब्जियों को सेपरेटली थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे, इनका कलर फ्रेश रहेगा, ठीक है। इस फॉर्म में भी जिसमें मैं बना रही हूँ, इसमें भी ये बड़ी खुश रंग किस्म की बनेगी। तो प्याज को अगर आपने इसकी कर दिया ब्राउन तो आपकी सारी सब्जियों का रंग खराब हो जाएगा, खाना जो है वो जरा गहरे रंग का बनेगा। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि सब्जी जो भी पकाई जाए, पालक है या ग्रीन कलर की सब्जियां हैं, अब देखें पालक जो है, पालक में अगर आप एक चुटकी सोडा ऐड कर देते हैं बॉईल करते हुए, थोड़ा सा उसको बॉईल करते हुए, बिल्कुल फ्रेश ग्रीन कलर में वो रहेगा। लेकिन क्या होता है कि पालक पकने के बाद लोगों का काले रंग काला सा हो जाता है, गहरे रंग का। अगर आप एक चुटकी सोडा डाल के उसको हल्का सा बॉईल करेंगे और फिर स्टेन करके उसको कूट लेंगे और फिर उसको आप पकाएंगे, आप यकीन करें कि बहुत ही जबरदस्त वो बनेगा, उसमें बहुत जबरदस्त बनना, कलरफुल उसमें रहना। तो सब्जियां जो है वो अपने फ्रेश कलर के साथ ही अच्छी लगती हैं, खाने को भी जीत आता है, ठीक है। ये देखें हमारी जो अनियन है ये हमने सॉटे कर लिए, बस इसके अंदर हम ये जो ग्रीन चिली है ये डाल देंगे। ग्रीन चिली जो है वो थोड़ा सा कट लगा के इसलिए डालिए ताकि अपना फ्लेवर इस सब्जी के अंदर दे दें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये करेंगे कि ये जो हमने मसाले चारों इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें हमने ऐड करते ही हम इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर की प्योरी भी अगर आप ऐड करेंगे ना, उससे भी बड़ी अच्छी बनेगी, बड़ी फ्रेश
का बर्तन भी बन गया। अच्छा अब क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए तो अब हम ये करेंगे कि बिल्कुल हल्की आंच करके हम इसको थोड़ी देर के लिए दम देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। ठीक है तो 5 मिनट लगेंगे कम से कम इसको बनने में, तो 5 मिनट के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। अच्छा जी टमाटर हमारे तकरीबन ये देखें हो चुके हैं। ठीक है तो सबसे पहले जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो इसमें करेंगे आलू। जो चीज़ जितनी हार्ड है उसको सबसे पहले आप ऐड कर दें। ठीक है साथ ही हमने ये मटर धो के रखे हैं उनको ऐड करेंगे। आपने खाली ये देखना है कि ये सब्जी में कितनी कलरफुल बनेगी और दम पे बनाएं हमेशा सब्जी को, सब्जी आपकी खूब शानदार बनेगी। ठीक है जी गोभी और गाजर ऐड करेंगे। हर सब्जी का अपना अपना कलर है और जो नजर आ रहा है। ठीक है ऑयल आपने बहुत कम ही डालना, मसाले को अच्छे से नीचे से मिक्स कर लें। मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तो बस इसको हम 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। कोशिश करें कि कुकर में सब्जी को ना बनाएं। कुकर में सब्जी का एक तो लोगों को अंदाज़ा इतना सही नहीं होता और सब्जी उनकी थोड़ी सी खराब हो जाती है और खड़ी खड़ी शक्ल में नहीं रहती। ये देखो मसाला हमारा हो गया इसमें सारा ऐड अच्छे तरीके से। 10 मिनट के लिए हम इसको इंतहाई धीमी आंच के ऊपर रख देंगे। जब ये रेडी हो जाएगी तो हरे धनिया के साथ हम इसको गार्निश करेंगे और मैं अब आपको ये डिश आउट करके दिखाऊंगी। ओके व्यूअर्स ये देखें सब्जी हमारी बड़ी जबरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी है। ठीक है कलर चेक करें आप इसका माशाल्लाह से कितनी कलरफुल है। मुझे तो भूख लग गई है, यकीनन आपको भी लग गई होगी। ट्राई ज़रूर करिएगा, रेसिपी पसंद आई हो तो थम्स अप दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।